लॉकडाउन के बाद उद्योग धंधे बंद पड़ गए तो मालिकों ने मजदूरों को कह दिया कि काम नहीं है और जब काम होगा तब ही मजदूरों को सैलरी मिलेगी। इसके बाद प्रवासी मजदूर अपने अपने घर जाने लगे। अपने घर लौट रहे मजदूरों के लिए सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला किया है। सीएम अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि हॉटस्पॉट और कर्फ्यू एरिया को छोड़कर प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले व्यक्तियों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। केवल उन्हीं लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा जिनमें सर्दी खांसी या जुकाम के लक्षण पाए जाए। सीएम ने कहा कि लोगों में अब कोरोना को लेकर जागरूकता आने लगी है, मास्क लगाने को दिनचर्या में शामिल कर लिया है। ये एक अच्छा संकेत है, इससे ही हम लॉकडाउन में अधिक छूट देने को तैयार हो सकेंगे। अब मजदूरों का 14 दिन का क्वारंटाइन नहीं होगा। हॉटस्पॉट और कर्फ्यू एरिया के लोगों को होना पड़ेगा क्वारंटाइन। सर्दी खांसी या जुकाम के लक्षण वाले व्यक्तियों को ही सिर्फ होना पड़ेगा क्वारंटाइन। राज्य सरकार श्रमिकों को क्वारंटाइन शिविरों में करवाएगी बेहतर सुविधाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सीमावर्ती जिलों के औद्योगिक क्षेत्र जैसे भिवाड़ी नीमराणा में प्रतिदिन की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आने वाले दूसरे मजदूरों के लिए उद्यमी एवं श्रमिकों को भी क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर प्रवासियों के सुरक्षित आवागमन और क्वारंटाइन एवं शिविरों की व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक कर इनकी समीक्षा की है। उन्होंने कहा है कि करीब 2 माह से चल रहे लॉकडाउन की पीड़ा झेल रहे श्रमिकों को संबल देने के लिए क्वारंटाइन शिविरों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अधिकारी श्रमिकों की तकलीफ को समझे और क्वारंटाइन सेंटरों में रह रहे श्रमिकों के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस लागू करें, ग्राम स्तर तक नवाचारों को पहुँचाएं।